वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी ढींगरा किया फरीदाबाद शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है किया सोनेट का HTX वेरिएंट, जो कि रहने वाला है अपना 7 स्पीड के DCT ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के साथ में। यहां पे आप चेक कर सकते हो और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट कार की डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, यानी कि A to Z आइडियल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो इस कार का लुक ब्लैक कलर के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। इसके साथ में अपने पास एक रेड कलर की कार भी खड़ी है जो कि अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है। इसका रिव्यू हम पहले ही कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वापस आते हैं HTX वेरिएंट पे, तो यहां पे आप सामने से इस कार का लुक जो है वो चेक कर सकते हो। फीचर्स में बात कर लें, क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, तो यहां पे आप देखेंगे तो वाइपर की प्लेसमेंट दी गई है, सेंटर में आपको किया का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल है अपर वाली, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर करी जाती है, लुक बहुत अच्छा ऑफर कर देती है। जिसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट जो है वो ऑफर किया गया है, जिसके ऊपर आपको नर्लिंग डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। हेडलाइट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED बेज के हेडलाइट्स हैं वो ऑफर किए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको DRLs की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ भी वर्क करती है। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉग लाइट ऑफर करी गई है जो कि बेसिकली हेलोजन बेस्ड है, क्रोम सराउंड है और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस पोर्शन पे आप देखते हैं तो लोअर पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो भी मिल जाती है। तो ओवरऑल सामने से यही सारे फीचर्स जो हैं इस कार के अंदर ऑफर किए गए हैं। साइड प्रोफाइल से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। तो कंप्लीट कार का जो साइड प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं। फीचर्स में देखें क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले डुअल टोन के फिनिश के साथ आपको यहाँ पे जो एलोई व्हील्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि 215/60R16 के टायर सेक्शन के साथ अपोलो के जो टायर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो कुछ इतनी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको सोनेट ऑफर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाता है ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ में, विद साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर डेडिकेटेड जो बटन्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं, यहाँ से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है फोल्ड अनफोल्ड को कंप्लीट जो है अरेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 7 स्पीड के DC ट्रांसमिशन का जो वेरिएंट है उसकी बैजिंग आपको इसके फेंडर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अपना सनरूफ रहने वाला है, जिसकी बात हम इंटीरियर में चल के करेंगे, और अपने जो रूफ रेल्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाली हैं, वो भी सिल्वर ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगी। बाकी लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स ये ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन भी ऑफर किया गया है। तो ये बात हो चुकी है इस कार के कंप्लीट साइड प्रोफाइल की। अब चलते हैं एक बार रियर में और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो रियर में कंप्लीट लुक जो है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो ऑफर किया गया है, जो कि बॉडी कलर के साथ रहने वाला है, और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफोकस ये आपको दिए गए हैं। इसके अलावा कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे रहने वाली है, किया का लोगो दिया गया है। रियर टेल लाइट आपको जो LED बेस्ड है वो देखने को मिल जाने वाली है। सोनेट की आपको प्रॉपर बैजिंग यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे TGDI की बैजिंग आपको मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर्स जो है वो ऑफर किए गए हैं, 2 साइडों में मिल जाएंगे, और 2.4 पार्किंग सेंसर्स हैं। और रियर में आपको जो है स्किड प्लेट है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको डुअल मफलर डिजाइन ये यहाँ पे ऑफर किया गया। चलिए जी बात कर लेते हैं अब इस कार के बूट की। तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो मिल जाएगा, जिसको प्रेस करके आप बूट जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और बूट स्पेस भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कितना कुछ बूट स्पेस जो है वो सोनेट आपको ऑफर कर देती है। नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्टेपनी टायर की प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/65R15 का। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कैबिन लाइट है, बूट लैंप जिसको कहा जाता है, वो प्रोवाइड किया गया है। पार्शल ट्रे जो है वो आपको मिल जाती है, और रियर सीट जो है वो भी आप जो है वो फुल फोल्ड के फीचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बारी है इस कार के इंटीरियर को चेकआउट करवाने की, तो इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से ये जो वेरिएंट है वो आपको कौन कौन से फीचर्स वगैरह जो है वो ऑफर कर देता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो कार का जो कंप्लीट इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन के फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफर किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डोर पैनल्स के फीचर की। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो डोर पैनल है वो चेक कर सकते हो, कैसे कुछ लुक में आपको देखने को मिल जाता है। फीचर्स में देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे जो टूटर की प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाने वाली है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल्स
सिल्वर फिनिश के साथ ऑफर किए जाते हैं। डोर आर्मरेस्ट आपको लेदरेट फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं और मिरर जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, प्रॉपरली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर और बोटल होल्डर के लिए स्पेस जो है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। अंदर से देखेंगे तो साइड एसी वेंट्स आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ईएसपी कंट्रोल बटन है और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा दो पैडल्स हैं और कोने में आपको एक डेड पैडल ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप इसके फ्यूल लिड को ओपन भी कर सकते हैं। सीट्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो तो आपको फैब्रिक प्लस लेदरेट सीट अपोस्ट्री जो है वो ऑफर की गई है और ये भी आपको डुअल टोन की फिनिश के साथ मिलने वाली है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर जो टेक्सचर वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। हेडरेस्ट आपको दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं और सीट्स को जो है वो आप यहाँ से हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये फीचर भी आपको मिल जाएगा। बैठ कर देखते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर से क्या कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको सोनेट एचटीएक्स वेरिएंट ऑफर कर देता है। दोस्तों ड्राइवर वाली सीट पर बैठने के बाद किस तरीके का लुक आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। फीचर्स में देखेंगे सबसे पहले डी कट शेप के साथ जो अपना स्टेयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जिसपे आपको लेदरेट फिनिश जो है वो ऑफर करी गई है। यहाँ पर आपको प्रॉपर सोनेट की जो बैजिंग है वो मिल जाएगी। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड क्रूज कंट्रोल्स और एमआईडी कंट्रोल्स दोनों ऑफर किए गए हैं और यहाँ पर आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर जो है वो भी आपको मिल जाने वाले हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको हेडलाइट ऑटोमेटिक जो आपको मिलते हैं उसके टॉगल्स और यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल टॉगल जो है वो ऑफर किए जाते हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको प्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। फीचर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है साइड में इसका जो टैकोमीटर है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर का, यहाँ पे फ्यूल का और सेंटर में आपको जो एमआईडी स्क्रीन है वो देखने को मिल जाएगी। स्पीडोमीटर जो है वो आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट के साथ ही ऑफर किया जाता है। अभी ये जो है अपना डीसीटी वाला वेरियंट है तो अभी गाड़ी जो है वो पार्क मोड पर है, तो आपको यहाँ पे पी की जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। टोटल किलोमीटर्स आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से सारी वार्निंग्स वगैरह जो है वो आपको नीचे की तरफ ऑफर करी जाती है। और अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आप जो है फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो स्टॉप वगैरह, ड्राइव इन्फॉर्मेशन और इस तरीके की बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और आपको जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरीके की जो है चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेटिंग वगैरह के जो ऑप्शंस हैं वो सारे कुछ आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे अपना 8 इंच वाला टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो ऑफर किया जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो फोन, रेडियो, वॉइस मेमो, DRVM जो है वो भी मिल जाएगा। जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो रियर का व्यू जो है वो आपको देखने को मिलता है, कुछ सेकंड तक इनेबल रहता है। इस तरीके से आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटीज है वो भी ऑफर करी जाती हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है ट्रैक्शन के लिए, ड्राइव के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखें एसी वेंट के सराउंड में आपको जो सिल्वर इंसर्ट्स हैं वही ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाता है फोन स्टोरेज के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यूएसबी पोर्ट दिया गया है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको और मिल जाता है। फोन स्टोरेज के लिए अगेन यहाँ पर भी स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये है इसका 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, कुछ इस तरीके के लुक में आपको ये देखने को मिल जाने वाला है। और इसके सराउंड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर सिल्वर इंसर्ट के साथ है, ट्विन कप होल्डर और सेंटर में आप देखोगे फोन स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर भी जगह मिल जाती है। इसके अलावा आर्मरेस्ट भी आपको दिया गया है जो कि कुछ तरीके का रहने वाला है और नीचे की तरफ आपको इसके अंदर भी स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ड्राइवर साइड जो अपना सनराइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाएगा डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा जो कि आपको 2 हैलोजन हेड अपने जो कैबिन लैंप्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। और को ड्राइवर साइड जो अपना सनराइजर है उसमें आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो तो वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। क्लब्सवेल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको ऑफ कर देते हैं और बात करते हैं सनरूफ की, तो सनरूफ जो है वो आपको इस वेराली वेरिएंट के अंदर ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ आपको जो है सनरूफ की जो है जगह मिल जाने वाली है। और इसमें भी आपको जो वन टच ओपन का फीचर है वो ऑफर किया जाता है। जैसे बटन ट्रैप किया मैंने, सनरूफ जो है वो अपना ओपन हो चुका है। और इसके पीछे मैक्सिमम जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितना तक सनरूफ जाता है, उसकी आप यहाँ पे विड्थ चेक कर सकते हैं। और ये वन टच क्लोज के साथ भी आपको मिल जाएगा, यानी कि दोनों फीचर आपको मिल जाने वाले हैं। ग्रैब हैंडल मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसके अलावा सीट्स वगैरह की हम लोग बात कर चुके हैं। ग्लोब बॉक्स आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, ग्लोब बॉक्स में कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको सोनेट ऑफर कर देती है। तो ये तो बात हो गई सभी इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की, अब चलते हैं बस सेकंड रो में। तो दोस्तों सेकंड रो का डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितनी कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। और सेकंड रो में क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डोर पैनल से ही, तो यहाँ पे आप
आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो ऑफर किया गया है। रियर में आपको यहाँ पे सनशेड कर्टन जो है वो ऑफर किए जाते हैं, दोनों ही आपको रियर डोर्स के लिए मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, अगेन डोर ट्रिम आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे लेदरेट इंसर्ट ऑफर किया जाता है। पावर विंडो कंट्रोल बटन और यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस के लिए बोतल होल्डर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको तीन एडजस्टेबल वाले जो हेडरेस्ट हैं वो ऑफर किए जाते हैं कुछ इस तरीके से, और सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बट स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप स्पेस वगैरह जो है वो चेकआउट कर सकते हो, सीट बिल्कुल अपनी जो है रिक्लाइन करी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट ऑफर किया गया है, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा, और रियर से जो फ्रंट का लुक है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट जो है वो भी ऑफर करी गई है, जो कि बेसिकली हैलोजन बेस रहने वाली है। कोलेप्सिबल टाइप के आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। दोस्तों रही बात कीज की, तो आपको दो जो है वो रिमोट कीज यहाँ पे ऑफर करी जाती है कुछ इस तरीके से, आप इसको चेक कर सकते हैं। चार बटन आपको मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, एक होल्ड का, और यहाँ पे एक बूट लिस्ट का जो बटन है वो आपको दिया गया है। दोनों ही आपको सेम कीज जो है वो ऑफर करी जाती है। दोस्तों बात करें अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इस कार के अंदर आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन ऑफर किया गया है, जो कि 120 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। रही बात इस कार के प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 11,98,999 रुपीज। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं ठिकरा या फैदाबाद शोरूम में। इसके अलावा इस कार की माइलेज, कलर ऑप्शंस और बाकी डिटेल्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।